नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार भी दो सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस बार भी इसलिए क्योंकि पिछली बार भी यानी 2019 में भी राहुल गांधी ने दो सीटों अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था। अमेठी से तो स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था और वायनाड से उन्हें जीत मिली थी। तो तब कोई विकल्प नहीं था कि आखिर कहां से बने रहे राहुल गांधी, यानी सांसद कहां से बने रहे। तो वायनाड से ही सांसद थे राहुल गांधी। लेकिन 2024 में जनता ने झोली खोलकर बाहें फैलाकर राहुल गांधी का स्वागत किया, फिर चाहे वो रायबरेली हो या फिर वायनाड। वायनाड में राहुल गांधी को 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली है। वहीं रायबरेली में भी राहुल गांधी ने बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में सबके सामने ये असमंजस की स्थिति थी कि आखिर राहुल गांधी कहां से बने रहेंगे सांसद। इस पर कांग्रेस में विचार विमर्श भी हुआ। हालांकि कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि अगर राहुल गांधी नतीजे आने से पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से चुनाव जीत जाते हैं तो वो वायनाड की सीट को छोड़ना प्रेफर करेंगे, इसलिए क्योंकि रायबरेली उनकी परंपरागत सीट रही है, पारिवारिक सीट रही है। सोनिया गांधी वहां से सांसद थी लेकिन इस बार क्योंकि वो राज्यसभा चली गई, सीधे राज्यसभा से सांसद बनी है, तो रायबरेली की सीट को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती थी, अपनी पारिवारिक सीट को। चर्चा ये भी थी कि प्रियंका गांधी भी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। राहुल गांधी के नाम का ऐलान हुआ नॉमिनेशन से कुछ घंटों पहले और राहुल गांधी ने वहां जाकर नामांकन भरा और जनता ने बाहें फैलाकर राहुल गांधी का स्वागत किया। हालांकि कांग्रेस ने इस बार 2014-2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया, इसलिए इस बार कांग्रेस के नेता खुश भी हैं और आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी को और मजबूत देख रहे हैं। लेकिन अब जो मुद्दे की बात है वो ये कि राहुल गांधी वायनाड की सीट को छोड़ सकते हैं, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, और वो रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे। रायबरेली के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी यहीं का रिप्रेजेंटेशन करें संसद में, जिससे कि यहां की समस्याओं को दूर किया जा सके। और जो यहां के लोग चाहते हैं कि रायबरेली और आगे बढ़े, विकास के पथ पर आगे बढ़े, वो जिम्मेदारी राहुल गांधी बखूबी निभाएं। लेकिन ऐसे में क्या वायनाड के लोग राहुल गांधी से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि एनी राजा ने यह साफ कहा था, जो कि वहां से उनकी प्रतिद्वंदी थी, वो लगातार ये बात कह रही थी कि राहुल गांधी अगर दोनों सीटों से चुनाव जीत जाते हैं तो वायनाड को छोड़ना ही पसंद करेंगे, और वही हुआ जिस बात का डर था। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपने किसी करीबी या किसी लोकल कार्यकर्ता को वायनाड से मैदान में उतार सकते हैं लोकसभा के लिए जब उपचुनाव होगा प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन क्या उसी तरह का भरोसा या उसी तरह का प्यार वायनाड की जनता राहुल गांधी के करीबी या वहां के लोकल कार्यकर्ता पर लुटाएगी, जैसा कि राहुल गांधी पर 2019 और एक बार फिर 2024 में जनता ने लुटाया, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी इस बात का औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि राहुल गांधी आखिर कौन सी सीट छोड़ेंगे, लेकिन करीब करीब यूं कहें कि 80-85% ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट ही छोड़ेंगे और रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे। ऐसी बड़ी और अपडेट के लिए, बड़ी खबरों के लिए आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।